हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे स्टार डेल्टा फीडर की कंट्रोल वायरिंग। मेरा पहला वाला वीडियो में आप लोग देख पा रहे होंगे, एक तो टाइमर स्टार डेल्टा टाइमर लगा के हम एक तो कंट्रोल सर्किट किए थे, लेकिन वहां पर क्या हुआ, अगर आपका टाइमर कार्ड ख़राब हो जाता है तो आपका मोटर स्टार में नहीं रन कर पाएगा, डायरेक्ट मेन और डेल्टा में चलेगा, तो आपका मोटर की चलने की चांसेस ज़्यादा रहता है। तो उसी को सेफ्टी के लिए यहाँ पर हम लोग स्टार डेल्टा फीडर की डायग्राम बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर कुछ इंटरलॉक दे के। तो इसीलिए इस स्टार डेल्टा सर्किट को हम लोग अभी बना रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो स्टार डेल्टा कंट्रोल सर्किट की जो सप्लाई वोल्टेज है, यहाँ पर 230 वोल्ट एसी या फिर 110 वोल्ट एसी आप यूज में ले सकते हैं। आपका जितना वोल्टेज सप्लाई कंट्रोल सर्किट में यूज कर रहे हैं उतना आप ले सकते हैं। यहाँ पर हम एक तो डबल वोल्ट के MCB 6 एम्पीयर के लिए है, और नीचे में आप देख पा रहे होंगे ये OLR है आपका, 95-96 आपका NC कॉन्टैक्ट पॉइंट है, और 97-98 आपका ट्रिप की इंडिकेशन के लिए यूज किया जाता है। आपका सर्किट में कोई पोर्ट आएगा तो 97 और 98 से आपका ट्रिप इंडिकेशन शो करेगा, और 98 या 95 और 96 आपका NC कॉन्टैक्ट पॉइंट है, और 95 और 96 को एक तो लूप कनेक्टेड किया जाता है, क्योंकि हम यही वही सप्लाई वोल्टेज को ट्रिप के लिए यूज करते हैं। उसके बाद 96 के आउटपुट से हम लोग NC पुश बटन को कनेक्ट करेंगे, जिससे हमारा फीडर स्टॉप होगा। ये आपका NC पुश बटन है स्टॉप के लिए, यहाँ पर हम लोग यूज किए। उसके बाद NO पुश बटन एक लगाएंगे स्टार्ट के लिए, NO पुश बटन यूज करते हैं हम लोग स्टार्ट के लिए। उसके बाद हम लोग NO पुश बटन कनेक्ट करने के बाद NO पुश बटन की आउटगोइंग से हम लोग देंगे टाइमर कार्ड को सप्लाई, जो स्टार डेल्टा टाइमर है उसी को हम लोग सप्लाई देंगे A1 में, और A2 आपका न्यूट्रल है। अब इतना देर कंप्लीट होने के बाद हम लोग जो स्टार्ट की जो NO कॉन्टैक्ट पॉइंट है उससे हम सर्किट को होल्ड करने के लिए यहाँ पर मेन कॉन्टैक्टर के NO ऑक्सिलरी पॉइंट को यूज में लेंगे, मेन कॉन्टैक्टर की NO को वो भी पैरेलल में कनेक्ट करेंगे जो आपका स्टार्ट के लिए यूज होता है। इसको हम लोग सर्किट को होल्ड करने के लिए मेन NO को यहाँ पर यूज में लिए है। जब आप स्टार्ट कमांड देंगे तो आपका होल्डिंग सर्किट मेन NO से दोगे, आपका टाइमर मेन कनेक्टर होल्ड होगा, इसीलिए यहाँ पर इसको कनेक्ट किया गया है मेन NO के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट पॉइंट को। यहाँ पर हम लोग जो टाइमर कार्ड की जो पावर सप्लाई किया है उसी सप्लाई को हम लोग यूज करके यहाँ पर एक तो हम लोग इंटरलॉक देंगे। यहाँ पर पहले हम लोग उसी से आप लोग स्टार कॉन्टैक्टर की जो ऑक्सिलरी पॉइंट रहता है NO कॉन्टैक्ट पॉइंट उसी को हम लोग देंगे। यह आपका स्टार की NO कॉन्टैक्ट पॉइंट, और उसी से आप लोग लेके हम फिर से मेन कॉन्टैक्टर की NO ऑक्सिलरी पॉइंट से NO ऑक्सिलरी पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। इसको हम लोग क्यों कनेक्ट किए उसको हम लोग बाद में समझाएंगे। अभी हम लोग जो मेन कंडक्टर के NO में कनेक्ट किए, उसके बाद इसी सप्लाई को लेके हम लोग मेन कंडक्टर के A1 और A2 आपका न्यूट्रल में यूज करेंगे। उसी को हम लोग क्यों लिए उसको हम बताएंगे। यहाँ पर आपका टाइमर कार्ड में दो ठो कॉन्टैक्ट पॉइंट रहता है, एक ठो NC कॉन्टैक्ट पॉइंट और एक ठो NO कॉन्टैक्ट पॉइंट। यह है आपका टाइमर की NC कॉन्टैक्ट पॉइंट, और एक है आपकी NO कॉन्टैक्ट पॉइंट रहता है आपको चेंजअप के लिए। है टाइमर के NO कॉन्टैक्ट पॉइंट डेल्टा कॉन्टैक्टर का पिक कर अभी करवाने के लिए कॉन्टैक्ट पॉइंट से हम लोग लेंगे, और यहाँ पर हम एक इंटरलॉक देंगे स्टार और डेल्टा कॉन्टैक्टर यूज करके। ये आपका डेल्टा की NC कॉन्टैक्ट पॉइंट है, और आपका टाइमर के NO से आपका स्टार के NC कॉन्टैक्ट पॉइंट में इंटरलॉक के लिए यूज किया जाता है, और डेल्टा के NC के आउटपुट से आप
लगाएंगे स्टार कॉन्टैक्टर, A1 में कनेक्ट करेंगे और स्टार NC कॉन्टैक्टर की आउटपुट से हम लोग डेल्टा कॉन्टैक्टर की A1 में कनेक्ट करेंगे और A2 आपका न्यूट्रल है, इसको हम लोग न्यूट्रल में कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर हम लोग जो न्यूट्रल का सप्लाई है उसको हम लोग न्यूट्रल में कनेक्ट करेंगे, तो आपको समझने के लिए इजी होगा। यहाँ पर आप 97 और 98 में एक्ट्रो ट्रिप का इंडिकेशन कनेक्ट कर रहे हैं। अभी हमारा जो कंट्रोल सर्किट है अभी रेडी है। अभी हम इसको कैसे सर्किट में यूज होता है इसको हम बता रहे हैं। अभी आप जब स्टार्ट कमांड देंगे तो आपका जो मेन कंडक्टर है आपका टाइमर कार्ड ऑन होगा। पहले टाइमर कार्ड ऑन होने के बाद टाइमर के NC और डेल्टा का कंडक्टर के NC से होकर आपका स्टार कंडक्टर पिक होगा। तो यहाँ पर जो हम लोग स्टार की जो एनर कॉन्टैक्ट लिए है मेन कंडक्टर में, जब आपका स्टार कंडक्टर यहाँ पर पिक होगा तो आपका मेन कंडक्टर ऑन होगा। उसके बाद आपका मेन जो ऊपर में मेन NO है ये ऑन होने के बाद वो आपका मेन NO कंडक्टर भी होल्ड हो जाएगा, तो आपका सर्किट अभी मेन और स्टार कंडक्टर में रन करने लगेगा। मेन कंडक्टर अभी आपका ऑन है, अब स्टार कंडक्टर जब ऑन होगा आपका मेन कंडक्टर तब ऑन हो सकता है इस सर्किट में, इसलिए हम स्टार के NO को ऑक्सिलरी कंडक्टर के यहाँ पर मेन कंडक्टर के साथ कनेक्ट किए हैं। इस स्टेप से आपका सर्किट कंप्लीट होगा। आप यहाँ से मेन कंडक्टर आपका ऑक्सिलरी होल्ड यहाँ से लेगा आपका सर्किट में। तो आपका जब स्टार से डेल्टा का जितना भी सेकंड आप यहाँ पर सेटिंग किए होंगे, जब आपका स्टार से डेल्टा को चेंज ओवर होगा तो आपका टाइमर यहाँ पर NO कॉन्टैक्ट NC होगा और आपका जो स्टार कंडक्टर है उसको पावर नहीं मिलेगा, उसका इंटरलॉक होके आपका डेल्टा कंडक्टर पिक करेगा। तो डेल्टा कंडक्टर जब पिक करेगा यहाँ से स्टार के NO आपका हट जाएगा मेन से, तो इसीलिए यहाँ पर दो ठो मेन की NO को ऑक्सिलरी पॉइंट को लिया गया है क्योंकि मेन सर्किट को होल्ड करना है। उसीलिए मैं पहला वाला मेन NO आपका पावर को होल्ड करेगा और जब आपका स्टार कंडक्टर पावर जब चेंजअप होगा तो आपका स्टार कंडक्टर ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, तब आपका जो मेन कंडक्टर को होल्डिंग के लिए यहाँ पर मेन कंडक्टर को ऑक्सिलरी पॉइंट को दिया गया है। इसीलिए यहाँ पर मेन कंडक्टर की दो ठो NO कॉन्टैक्ट को हम लोग यूज किए हैं। इसी तरह से यहाँ पर आपका मेन और डेल्टा में आपका रन कर सकता है मोटर। इसी प्रकार से यहाँ पर एक तो आपका टाइमर कार्ड इस सर्किट में आपका टाइमर कार्ड अगर ख़राब भी हो गया तो पहले यहाँ पर आपका स्टार कंडक्टर पिक करेगा, उसके बाद आपका मेन कंडक्टर होल्डिंग करेगा। तो यहाँ पर एक तो सेफ्टी प्रोवाइड किया जाता है, जब तक यहाँ पर स्टार कंडक्टर नहीं पिक होगा आपका मेन कंडक्टर आपका वो नहीं पिक हो सकता है। इसी टाइप का सर्किट में आपका थोड़ा सेफ्टी प्रोवाइड किया जाता है। आप जितना सेकंड दिया होंगे स्टार और मेन आपका ऑनर रहेगा, तो आप 10 सेकंड के बाद जब टाइमर आपका चेंज होगा तो यहाँ पर मेन और डेल्टा में आपका मोटर रन करने लगेगी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर स्टार और मेन NO को सेफ्टी के लिए यहाँ पर कनेक्टेड किए हैं। इसी टाइप का डायग्राम अगर आप स्टार डेल्टा सर्किट में बनाते हैं तो थोड़ा सेफ्टी प्रोवाइड होता है आपका मोटर को। अगर यहाँ पर आपका टाइमर कार्ड ख़राब हो जाता है तब भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर पहले स्टार कंडक्टर ऑन होगा उसके बाद मेन, उसके बाद 10 सेकंड के बाद आपका मेन और डेल्टा में चेंजओवर होगा। इस टाइप का स्टार डेल्टा सर्किट बनाया जाता है। इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी बना के हम लोग को कैसे बनता है कंट्रोल सर्किट उसको भी हम लोग वीडियो बना के देंगे। तो हम लोग यहाँ पर अभी दो तो पहले वाला वीडियो में टाइमर कार्ड को यूज कर
किए थे, लेकिन वहाँ पर थोड़ा तो इस टाइप का डायग्राम बना के आपको मोटर को सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।